गाइस, साल 2023 बस आने ही वाला है, तो 2023 में हम ऐसा क्या करें कि ये साल हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दे। पिछली वीडियो में हमने 21 डेज चैलेंज की बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि साल 2023 में किन चीज़ों को ना कहना है, वो कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिनको छोड़ देना है। तो आज मैं सिर्फ 23 चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, जिनको अभी से बदल कर ही हम 2023 में अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो इसके बारे में अभी से सोचना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिन्हें 2023 में अ बिग नो कहना है, और इन्हें खुद से दूर करके अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुद पर काम करना ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहां पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली बैड हैबिट्स, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों से खुद को कंपेयर करना मतलब खुद को किसी से कम समझना। याद रखिए, हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है, और कोई भी कभी किसी की तरह नहीं हो सकता। क्या आप कभी किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं या जानते हैं जो बिल्कुल किसी की तरह हूबहू दिखता हो या हरकतें करता हो? इसलिए खुद को कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये आदत आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। और लोग अपने टैलेंट के हिसाब से अलग अलग एरियाज में सक्सेसफुल होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग होती हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड जो बहुत अच्छा लिखता है, लोग उसके फ़ैन हैं, वो बहुत पॉपुलर हो गया है। अब आप ये सोच सोच के परेशान हैं कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। लेकिन आपके अंदर भी कोई टैलेंट या कोई अच्छी स्किल ज़रूर होगी जो उसके पास नहीं बल्कि आपके पास है। तो अपनी इस बुरी आदत से बचने के लिए आप कॉन्फिडेंस रहकर अपने टैलेंट को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। तो अपनी इस बैड हैबिट्स को 2023 में कहिए अ बिग नो। हमारी दूसरी बुरी आदत, पेइंग अटेंशन टू नेगेटिविटी। नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देने से हम सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं, और ये एक बैड हैबिट है। और नेगेटिविटी आपको दुख और परेशानी ही देती है, आप उदास और डिप्रेस्ड रहते हैं। इस बुरी आदत से बचने के लिए आप सिर्फ परेशानियों पर ध्यान देने की जगह अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और अपनी लाइफ को पॉजिटिव फेज के बारे में भी सोचिए और ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। इससे आप इस बुरी आदत से बच सकते हैं। तो 2023 में अपनी इस आदत को कहिए अ बिग नो। हमारी तीसरी बुरी आदत, लिविंग विथ पीपल हु डू नॉट प्रेज यू। जब लोग हमारी तारीफ कम और क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और ऐसे लोग बुरी आदतों के जैसे ही होते हैं, जो आपको अप्रिशिएट तो नहीं करते पर आपकी कमी आपको ज़रूर बताते हैं, और वो आपको कमज़ोर या छोटा महसूस करवाते हैं। ऐसे में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और चीज़ों पर फोकस नहीं रह पाता। तो इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए आप अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, ऐसे लोगों के सर्कल में रहिए जो आपकी तारीफ आपके अच्छे कामों के लिए ईमानदारी से करते हों और आपको अपनी लाइफ में बेटर करने के लिए अप्रिशिएट करते हों। अगली बैड हैबिट, लिविंग थिंग्स टू द मिनट्स। कल असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है, तो आज तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा, और वो पूरा हो भी जाता है। लेकिन ये एक ऐसी बैड हैबिट है जो देर सवेर अपना असर बहुत बुरी तरह से दिखाती है, और टाइम रहते अपना काम ख़त्म करने की आदत आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करती है। और लास्ट मोमेंट पर काम ख़त्म करके आप खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हैं, तो अब से ये जान लीजिए कि ये एक बहुत ही बुरी हैबिट है, और ये इसकी वजह से आप अपनी फैमिली अपने दोस्तों को भी परेशान कर सकते हैं, और आप खुद को भी बहुत रेस्टलेस कर सकते हैं। इस बुरी आदत से बचने के लिए आप अपने काम करने के तरीकों और अपनी प्लानिंग्स पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट बैड हैबिट, बीइंग वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ। कभी कभी हम परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में खुद के पीछे ही पड़ जाते हैं, अरे ये काम तो इस तरह से करना चाहिए था, या फिर अभी भी इसमें कुछ कमी है। और कभी कभी तो हम कई सारे काम एक साथ ले लेते हैं, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए लैपटॉप में कुछ काम करना या फिर कुछ नोट्स बनाते रहना। इतने सारे काम एक साथ करने के चक्कर में कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता, और फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं। और कभी कभी तो हम अपना काम टाइम पे पूरा नहीं कर पाते,
क्योंकि कभी कभी कोई फैमिली की इमरजेंसी या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे में खुद को दोष ना दें, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। इसके बाद अपने काम को फिर से वहीं से शुरू करें जहाँ पर आपने उसे छोड़ा था, पूरे फोकस और मेहनत के साथ। तो इस बुरी हैबिट को 2023 में कहिए अ बिग नो। नेक्स्ट बैड हैबिट, ब्लेमिंग। अपने फेलियर के लिए दूसरों को, सिचुएशन को या फिर अपनी किस्मत को दोष देना, ये एक बहुत ही बुरी आदत है। काश मेरे पास पैसे होते तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, या फिर काश किसी ने मेरा साथ दिया होता तो आज भी मैं एक बड़ा आदमी होता। जबकि सच्चाई तो ये है कि अपनी लाइफ में सक्सेस और फेलियर के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार होते हैं। किसी और को दोष देने से हम अपनी कमियाँ छुपा नहीं सकते। सेम सिचुएशन में रहकर दूसरे लोग सक्सेस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर को कई तरह से आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो सच में खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं वो ब्लेम गेम नहीं खेलते। तो ब्लेमिंग की इस बुरी आदत से बचने के लिए हमें खुद को फोकस और डिटरमाइन करने की ज़रूरत है, और अपने रास्ते आप खुद बनाइए। तो दूसरों को ब्लेम करने की इस बैड हैबिट को 2023 में कहिए अ बिग नो। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम एक ही टाइम पर अपने हाथ में ले लेना या बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेना, इससे कोई भी काम सही से नहीं हो पाता और काम बिगड़ते जाते हैं। खुद को सुपरमैन समझने से हम सुपरमैन नहीं बन जाते, बल्कि हमारा माइंड एक बार में एक ही काम को अच्छे से कर सकता है, और हर कोई बहुत सारे कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इस बैड हैबिट से बचने के लिए आप अपने कामों की लिस्ट बना सकते हैं और उनकी इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग बारी बारी ख़त्म कर सकते हैं। तो साल 2023 में अपनी इस बैड हैबिट को कहिए अ बिग नो। अगली बैड हैबिट, लेट होना। कभी ना कभी हम सब किसी जगह पहुंचने में लेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि हर जगह लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि ये उनकी एक हैबिट बन चुकी होती है। और ये बैड हैबिट हमारे लाइफ पर बहुत ही गलत असर डालती है, क्योंकि लेट होना आपको प्रोक्रेस्टिनेटर बनाता है और आप काम को टालते रहते हैं, और दूसरों की नज़रों में आपकी इमेज एक लेज़ी और लेट लतीफ इंसान की बन जाती है, और आप कहीं भी सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। और इस बैड हैबिट से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने टाइम की वैल्यू को समझिए कि टाइम लिमिटेड होता है, और समय का सही इस्तेमाल करना तो हमें आना ही चाहिए। तो अपनी इस लेट लतीफ़ी को 2023 में कहिए अ बिग नो। अगली बैड हैबिट, अजम्पशन। सिर्फ सोच लेना कि ये काम मुश्किल है या ये मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही बुरी आदत है। ऐसा सोचकर हम खुद अपनी एबिलिटी और पोटेंशियल पर सवाल उठाते रहते हैं। तो अपने मन में आ रही इन थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, और निगेटिव सोचने से आप निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे और आप किसी भी काम को करने में डरते रहेंगे। तो ऐसी सोच की बैड हैबिट को 2023 में कहिए अ बिग नो। अगली बैड हैबिट, स्पेंडिंग योर होल डे इन प्लानिंग। कुछ लोग अपने हर काम को प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने छोटे से लेकर बड़े काम को वो शेड्यूल के हिसाब से ही करते हैं। ये एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप ऐसे प्लान को बनाने में अपना पूरा टाइम लगाते हैं, अपने एक एक मिनट एक एक सेकंड का हिसाब रखने में और प्लानिंग करने में घंटों लगाते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं होता। अगर प्लान बना रहे हैं तो केयरफुली बनाइए, जिसे फॉलो करना आसान हो, नहीं तो जो प्लान आप पूरे दिन लग के बना रहे हैं उस पर काम करना ही मुश्किल हो जाता है। तो प्लानिंग करने की इस बैड हैबिट को लिमिटेड रखिए और अपने काम पर फोकस कीजिए, और 2023 में इस बैड हैबिट को कहिए अ बिग नो। अगली बैड हैबिट, स्किपिंग एक्सरसाइज। दिन की शुरुआत अगर एक्सरसाइज से हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। आपकी बॉडी और माइंड दोनों के हेल्दी रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रोज एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और हम पूरे दिन एक्टिव और अच्छा फील करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज ना करना या एक्सरसाइज को स्किप करना, इससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना ये एक बहुत ही बुरी और नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। हम कम उम्र में ही कई सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, तो इस बैड हैबिट को जल्द से जल्द अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अगली बैड हैबिट, सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू स्टार्ट समथिंग। समय कभी सही या अच्छा नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। सो डोंट सिट एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट टू स्टार्ट समथिंग,
और इस उम्मीद में अपना ज़रूरी काम ना करना ये तो बहुत ही बुरी आदत है, और ये सोचते रहना कि अभी ये काम करने का सही समय नहीं है। तो क्या आप अपने कमरे को सही करने के लिए या फिर अपने अंदर एक अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना? तो फिर इंतज़ार करना बंद कीजिए और अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और 2023 में अपनी इस बुरी आदत को कहिए अ बिग नो। अगली बैड हैबिट, वॉचिंग टू मच टीवी। आजकल बहुत से पेरेंट्स इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे पूरे टाइम बस टीवी देखते रहते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है या लगभग ना के बराबर है, बच्चों के पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, और ये हैबिट बड़े होने तक रहती है। ज़्यादा देर तक बैठ कर टीवी देखने से और फिजिकली एक्टिव ना रहने से ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और कई तरह की सीरियस प्रॉब्लम और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अपनी इस बुरी आदत से बचने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और अपने टीवी देखने का टाइम फिक्स करना होगा, क्योंकि जब एक फिक्स शेड्यूल होगा तो उसे फॉलो करना आसान होगा। अगली बैड हैबिट, कॉन्स्टेंटली स्किप मील्स और हैविंग एन अनहेल्दी डाइट। आई थिंक ये बैड हैबिट हर किसी में होती है कि लोग अपने खाने और काम के टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं और इस वजह से सबसे पहले अपने खाने के शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी और स्ट्रेंथ के लिए एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी को अगर फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो ये गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी और फिर आप अपना कोई भी काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने खाने को स्किप ना करें। और दूसरी प्रॉब्लम जंक फूड की है, घर के खाने से बोर होने का बहाना या फिर सो कॉल्ड कुछ अच्छा खाने के नाम पे हम जंक फूड खाते ही हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बुरी आदत है। हमारे खाने में पूरा न्यूट्रिशन और डाइट बैलेंस होनी चाहिए। आप विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हैं, उन्होंने अपने हेल्थ और स्टेमिना पर काम करके ऐसी टोन और हेल्दी बॉडी पाई है। उन्हें भी खाने का बहुत शौक है, लेकिन वो अपने हेल्थ और डाइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना खाना लेते हैं। तो आप उनसे इंस्पायर होकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट बैड हैबिट, ऑलवेज बी डिस्ट्रैक्टेड। आप अभी चाहे पढ़ाई कर रहे हों या फिर जॉब या बिजनेस, कुछ भी, अब तक आपके गोल्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बिना क्लियर गोल के आप हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे और ये एक बुरी आदत है, क्योंकि जिन लोगों के गोल्स क्लियर नहीं होते हैं उनका सारा ध्यान फालतू की चीज़ों में ही लगा रहता है। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए आपको हर तरह की मेहनत और एक क्लियर माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस आदत से बचने के लिए आने वाले साल में अपने गोल्स को सेट कीजिए और ख़ुद से प्रॉमिस कीजिए कि 2023 आपके लिए एक माइलस्टोन सेट करने वाला साल बनने वाला है। अगर आप खुद से प्रॉमिस करते हैं तो अभी कमेंट में यस टाइप कीजिए। अगली बैड हैबिट है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बुरी ही नहीं जानलेवा हैबिट है, फिर भी लोग इसको छोड़ नहीं पाते हैं। और सिर्फ स्मोक करने वाले को ही ये नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि आसपास जिन लोगों तक ये पहुंचती है उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आजकल का यूथ जाने अनजाने कभी अपनी मर्जी से तो कभी अपने स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड से इंस्पायर होकर स्मोकिंग जैसी हैबिट डाल लेता है और अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट टाइम को इस तरह की आदतों में बर्बाद कर लेता है। तो इस जानलेवा आदत से बचने के लिए जब भी आपका स्मोकिंग करने का मन करे तो एंटी स्मोक गम या फिर इस तरह की च्युइंग गम वगैरह ले सकते हैं। तो गाइस, आप इतने समझदार तो हैं कि स्मोकिंग से क्या हो सकता है ये जानते हैं, लेकिन उससे बच कर या उससे क्विट करके आप खुद को और अपनी लाइफ को कितनी वैल्यू दे सकते हैं, इतने समझदार भी बनिए। प्लीज़ जस्ट स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग फैशन नहीं है, ये पॉइजन है। अगली बैड हैबिट, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक भी एक जानलेवा हैबिट है। ज़्यादातर लोग अपने स्ट्रेस, अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए अल्कोहल का सहारा लेते हैं, लेकिन जिसे हम अपना स्ट्रेस कम करने के लिए लेते हैं वो जान भी ले सकता है। और ज़्यादा शराब पीना ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े लोगों पर भी बुरा असर डालता है। आपकी फैमिली फाइनेंशियली क्राइसिस से भी परेशान हो सकती है, और कैंसर, लीवर की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, वीक मेमोरी, इस तरह की ढेरों बीमारियां हैं जो आपको जकड़ सकती हैं। ऐसे में सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी उतना ही सफ़र करती है। सो प्लीज़ स्टॉप टेकिंग सो मच अल्कोहल। अगली बैड हैबिट, ओवर स्पेंडिंग।
जब बात शॉपिंग की आती है तो कई बार हम ज़्यादा खर्च कर ही देते हैं। चीज़ें पसंद आती हैं और हम उसे खरीद लेते हैं। ये वाकई बुरी आदत है, क्योंकि इससे आप वो चीज़ें भी खरीद कर ले आते हैं जिसकी ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं होती, और ये मनी मिसमैनेजमेंट को दिखाती है। हम पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं लेकिन खर्च करते समय ये ध्यान नहीं देते। लेकिन इस तरह से आप अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अपने पैसों को मैनेज करना और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करना, ये हमें आना चाहिए। नहीं तो हम इस बैड हैबिट की वजह से हमारी सेविंग्स ही नहीं बल्कि ज़रूरी काम भी नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश कीजिए अपनी इस बैड हैबिट को आने वाले साल में जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। अगली बैड हैबिट, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। 8 घंटे की प्रॉपर और गहरी नींद, ये हमारी बॉडी की बेसिक नीड में से एक है। लेकिन अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो आप पूरे दिन थका थका और चिड़चिड़ा बने रहते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो सोने के लिए भी वो रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उस टाइम सिर्फ सोने की ज़रूरत होती है। और अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहती। तो कम सोने का आपके पास चाहे जिस तरह का और जितने भी बहाने हों, उस हैबिट को छोड़ दीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। पूरी नींद लीजिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अगली बैड हैबिट, यूजिंग योर फोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स इन बेड। अगेन, सोशल मीडिया बैड हैबिट। देर तक मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने से हमारी आंखें, नींद और कंसंट्रेशन, इन सबको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक बैड हैबिट है जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। ज़्यादा देर तक मोबाइल देखने और स्क्रीन को स्क्रॉल करने से हमारी आंखें ब्लू लाइट की वजह से सोने की क्वालिटी को कम कर सकती हैं, और आपकी नींद में भी डिस्टरबेंस हो सकती है। और लगातार एक ही पोजीशन में बैठने से या लेटे रहने से बैक पेन और नेक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और साथ ही स्क्रीन लगातार देखने में कितना टाइम चला जाता है ये तो पता ही नहीं चलता, और इस चक्कर में लेट नाइट सोने की बुरी आदत भी लग जाती है। और इंटरनेट पर दिखने वाली चीज़ों का असर हमारे माइंड और मूड पर भी पड़ता है, हम उसके बारे में काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं। तो अपनी इस बैड हैबिट को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डालती है। तो सोने का और स्क्रीन को यूज़ करने का एक फिक्स टाइम तो होना ही चाहिए, और सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए सनलाइट की तरफ मुँह करके उसको फील कीजिए। वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देगी जो आपको दिन भर की पावर देगी। तो अपनी इस बैड हैबिट को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। अगली बैड हैबिट, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कितनी बुरी आदत है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर हर कोई ये काम करता ही है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की बुरी आदत। जब हम चाहते हुए भी कोई काम ना कर पाएं, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना ले पाएं, तो इसके रिजल्ट्स भी बुरे ही होते हैं। वैसे भी बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं क्योंकि वो आसान होती हैं। और कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन 3 वजहों से होता है। पहली, या तो वो ऐसा काम हो जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो। दूसरा, वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे। तीसरा, हम खुद पर भरोसा ही ना कर पाते हों कि हम ये काम कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप काम को अपने हिसाब से और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज़ कीजिए, और अपने ऊपर से भरोसा कभी भी मत हटाइए। अगली बैड हैबिट, नॉट लिसनिंग टू अदर्स। क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की एक अच्छी आदत होती है कि वो जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तभी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये बैड हैबिट होती है कि वो सिर्फ अपनी ही कहते जाते हैं, और सामने वाला चाहे ज़रूरी बात भी क्यों ना कहना चाह रहा हो, वो अपनी ही बातों में लगे रहते हैं। और ऐसे में कई बार लोग आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं, और आपकी इमेज पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सिर्फ खुद की बातें करने वाले इस बैड हैबिट को जल्दी से जल्दी टाटा बाय बाय कर दीजिए। लास्ट बैड हैबिट, गिविंग अप टू अर्ली। गाइज, लास्ट में ये हैबिट इसलिए है क्योंकि हमारी ये भी बैड हैबिट होती है कि हम कोई काम करते ही उसमें सफल होने की सोचते हैं, और जब नहीं होते तो गिव अप कर देते हैं। तो इस बैड हैबिट को आज ही ख़त्म करें, क्योंकि जब तक पूरी कोशिश, पूरी मेहनत से आप अपना काम नहीं करोगे, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और बेटर करने के लिए स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है, और अगर हम अपनी आदतें ही नहीं सुधार पाएंगे तो आगे का रास्ता कितना मुश्किल हो जाएगा आप समझ सकते हैं।
आपने जो भी सपने देखे हैं वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। तो आने वाले साल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए सारी बुरी आदतों को इसी साल में ही छोड़ दीजिए और नए साल का स्वागत एक नई और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कीजिए। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो यस टाइप करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।